बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव गुप्ता के कई ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति रखने को लेकर एक साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी चल रही है। बिहार साउथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यरत संजीव गुप्ता पर पीसी एक्ट के तहत मामला 19 सितंबर को ही दर्ज किया गया था। बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता वर्तमान में बांका जिले में कार्यरत हैं। विजिलेंस की टीम ने उनके ससुराल भागलपुर, कार्यस्थल बांका, पटना और पैतृक गांव पूर्णिया समेत उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चालू कर दी है। बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव गुप्ता के कई ठिकानों से लाखों रुपये नगद, सोने चांदी के जेवरात और कई जमीन की कागजात भी बरामद किए गए हैं। यह छापेमारी आज अहले सुबह से ही प्रारंभ है। इसी बाबत पटना से भागलपुर पहुंची निगरानी विभाग के 2 सदस्यीय टीम ने संजीव गुप्ता के ससुराल भागलपुर अलीगंज स्थित सेलबाग मोहल्ले में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव संजीव कुमार गुप्ता के घर में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग में संजीव कुमार गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। निगरानी विभाग की टीम अलीगंज स्थित उनके घर पर छापेमारी कर रही है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि उनके कई ठिकानों से करोड़ों की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। इस छापेमारी से बिजली विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता बनारसी गुप्ता के पुत्र संजीव कुमार गुप्ता का पैतृक गाँव पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के बनिया टोला वार्ड नंबर 12 में है। वहीं इस मामले को लेकर विशेष निगरानी इकाई के डीएसपी चंद्रभूषण ने कहा कि हम लोग तकरीबन 12 घंटे की इस छापेमारी में विद्युत आपूर्ति मंडल साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के ससुराल भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा विहार कॉलोनी से 27 लाख रुपए नगद जेवरात बरामद की गई है। वहीं इनके यूको बैंक गुरट्ठा चौक के लॉकर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं आदमपुर शाखा स्थित यूको बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं था। आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको तो बताया जा चुका है 40 लाख नगद बरामद बरामद और जमीन के कितने के कागजात? जमीन के भी काफ़ी कागजात हैं। कितना में होगा सर? 10 सेंडिट मिला हुआ है। 10 जमीन करोड़ों में कहा जा सकता है? बिल्कुल। जगह केवल सर ऑर्नामेंट भी है? हाँ ऑर्नामेंट। सबरंग भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। महिला से अवैध संबंध को लेकर नौगछिया थाना के माध्यमिक उच्च विद्यालय तेतरी पछियारी टोला के पास महादलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव तेतरी सड़क किनारे से पुलिस ने बरामद किया। मृत युवक खरीक थाना के अठनिया के स्वर्गीय साहेब दास का पुत्र कमल किशोर दास है। सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे युवक का शव देखा तो जानकारी नौगछिया थाने की पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। मुंह व छाती पर चोट के निशान है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। पत्नी अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि पति भागलपुर की तिलका मांझी में डेरा लेकर अकेले रहते थे, वहीं टीओपी में रंग रोगन का काम करते थे। मैं अपने बच्चों के साथ मायका अलीगंज में रहती थी। मृतक का भाई अमित कुमार दास ने बताया कि मेरे भाई का नौगछिया के एक महिला से अवैध संबंध था। 2 माह पहले अपने भाई के डेरा में उस महिला से मिला था। महिला ने बताया कि मैं आपके भाई से प्यार करती हूं। मैंने महिला को डांट डपट भी किया था। अवैध संबंध को लेकर मेरे भाई की हत्या
हत्या की गई है। घटना स्थल के पास पिछले दो दिनों से सर्कस चल रहा था। तेज बारिश होने से 10 बजे के बाद सर्कस बंद हो गया था। पुलिस को कमल किशोर दास के पास से एक पर्स मिला है। पर्स में 10 रुपये व उस महिला का फोटो है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि हत्या का मामला है, कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। परिजनों के लिखित प्रतिवेदन के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एफएसएल व डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की व खून के नमूने को उठाया। कमल किशोर दास हत्या मामले में मृतक के भाई अमित कुमार दास के बयान पर नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमित ने पुलिस को बताया कि मेरा भाई कमल किशोर दास ठेकेदारी का काम करता था, भागलपुर बरारी में डेरा लेकर स्वयं रहता था। बीच बीच में मैं अपने भाई से मिलने के लिए बरारी जाता था तो हमेशा एक महिला को भाई के साथ देखता था। जब मैंने उस महिला से पूछा कि आप क्यों मेरे भाई के रूम में आते जाते हैं तो महिला ने बोला कि आप मेरे देवर है, कमल किशोर दास मेरे पति है। महिला के पति ने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी भी दी थी। धमकी के बाद से मेरा भाई डर कर रहता था। इसकी चर्चा वो अपने दोस्तों से किया था। महिला और उसके पति और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे भाई को लोहे का रड, पत्थर, लाठी डंडा से बेरहमी से पीट पीट कर मार कर हत्या कर दिया है और लाश को छुपाने की नीयत से ग्राम तेतरी मध्य विद्यालय के पास स्थित झाड़ी में मार कर फेंक दिया। हाँ, ये तेतरी दुर्गा तेतरी मिडिल स्कूल के पास एक है 35-40 साल का युवक है, मोटरसाइकिल उसके साथ है और पर्स उर्स सब उसके पॉकेट में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गिरा हुआ है। छानबीन कर रहे हैं हम लोग, छानबीन करेंगे और वो अग्रिम कार्रवाई करके हम लोग जो है इसमें भेज रहे हैं पोस्टमार्टम में। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? वो हमको अभी लग रहा है कि ये दुर्घटनाग्रसित हो गया होगा या फिर हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो आएगा बिंदु उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जख्म से क्या लग रहा है, मारा गया या कहीं लाया गया? चेहरा नाक से ब्लड आ रहा है। तो नाक से केवल ब्लड आने से बहुत सारा बीमारी है, ये है वो है, तो हम लोग अभी पूरा निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कुछ क्लियर नहीं बता सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अभी तो हम लोग मोबाइल से कॉल डिटेल वगैरह निकाले हैं तो पता चला है कि ये खरीक थाना अंतर्गत जो है अठानिया कोई गाँव है वहीं का है। क्या नाम है इनका? इसका नाम कमल किशोर दास है, अठानिया गाँव का है, खारिक थाना का है। क्या कुछ मार के फेंक दिया या इस तरह का? उस तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बॉडी पर भी उस तरह का नहीं है और अगल बगल में कोई हथियार भी नहीं है। तो क्लियर कट कुछ ओपिनियन आ नहीं रहा है सामने। बाकी लोगों से हम छानबीन कर रहे हैं, उसके परिजन को बुला करके पूछताछ करेंगे, किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई मैटर आता है तो फिर हम लोग ओपन करेंगे। भागलपुर के कहलगांव की शिवनारायणपुर में 12 सितंबर 2021 को झारखंड मिर्जा चौकी की ओर से कहलगांव की ओर जाने वाले एक टेम्पो को पुलिस ने संदेह पर रोका, जिस पर दो युवक सवार थे, जिसमें एक का नाम अजय मंडल और दूसरे का नाम सूरज चौधरी था। जब गश्ती कर रहे पुलिस ने उस टेम्पो की जांच की तो उस टेम्पो से 187 लीटर देसी शराब और 12.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। दोनों को आज उत्पाद कोड 2 के द्वारा 5 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई। वहीं आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। एक कहलगांव शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या 605/21 GR 10/53/21 यह घटना 12/9/2021 की है। झारखंड की ओर से मिर्जा चौकी की ओर से कहलगांव की तरफ एक टेम्पू आ रही थी और वह टेम्पू में दो लड़का बैठा हुआ था। एक का नाम था अजय कुमार मंडल और दूसरा का नाम था सूरज कुमार चौधरी। और उस गाड़ी में टेम्पो पर जब सर्च किया गया तो 187 लीटर देसी शराब और 12.5 लीटर विदेशी शराब पकड़ाया। दोनों व्यक्ति को न्यायालय में भेजा गया, हिरासत में भेजा गया और दोनों को आज सजा सुनाई गई उत्पाद कोड 2 से, उसमें 5 साल की कठोर कारावास एवं 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीना की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, स्पेशल पीपी, उत्पाद कोड 2।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल स्नातक पाठ्यक्रम के प्रमोटेड छात्राओं को फॉर्म भरने से विश्वविद्यालय ने रोक दिया, जिसके बाद कुछ छात्रा विश्वविद्यालय प्रशासन की गाड़ी के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने तुरंत छात्राओं को प्रशासन की गाड़ी के सामने से हटा दिया, नहीं तो छात्रा गाड़ी के नीचे आ जाती। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रम प्रमोटेड छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने का समय चंद घंटों का दिया गया, जिसमें वो फॉर्म नहीं भर पाए। वहीं इसी कारण छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन छात्र छात्राओं के समर्थन में विभिन्न छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। बोले कि गलती से नोटिस जारी कर दिए थे, उसको सुधार करके फिर से अभी जो नोटिस जारी हुआ है अभी किसी वक्त हो गया तो है। इस नोटिस में क्या आप लोगों को पढ़े नामांकन किया जा रहा है? नहीं हुआ, हो गया अभी तो उसको भी एग्जाम देने नहीं देंगे। तो आपके साथ क्या हुआ था, आप जो गाड़ी के सामने आए थे? हम गाड़ी के सामने आए थे तो हमको सर और मैडम को दोनों घींच करके हटा दिया, मेरा पैर पे गाड़ी चल गया था। गाड़ी के सामने आप क्यों आए थे? हम एडमिशन के लिए आए थे गाड़ी के सामने, सुबह से खड़ा थे, नहीं मिलने दे रहे थे। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम 8 बजे सुबह 8 बजे से आए हैं। कहाँ से आते हैं? आए हैं साजंगी नपटोलिया से, नाथनगर। कौन से कॉलेज से? मरवारी कॉलेज से। एक तरफ जहां अचानक बारिश होने से लोगों को धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर बारिश किसान के लिए काफी फायदेमंद है। धान की फसल में यह काफी फायदेमंद साबित होगी। बच्चों की स्कूल की छुट्टी के समय अचानक तेज बारिश होने से बच्चे भींगते हुए अपने घर की ओर जाते दिखे। सड़कों पर लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नगर निगम की पोल खोल तस्वीर सड़कों पर सामने आ गई। नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हुई। जिला प्रशासन की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम आदमी से संवाद कर उनकी समस्याओं का निदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बच सके। जिले में इसकी शुरुआत पीरपैंती प्रखंड से की गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, DDC अनुराग कुमार सहित जिले के आला अफसर मलिकपुर उच्च विद्यालय और सिमनपुर विद्यालय में पहुंचे तो ग्रामीणों के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। उन्हें अपनी समस्याओं के निदान की उम्मीदें दिखी। कार्यक्रम का संचालन मलिकपुर उच्च विद्यालय में BDO चंदन कुमार चक्रवर्ती ने किया। कार्यक्रम से पूर्व थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि लोगों से संवाद कर समस्याओं का समाधान करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और बेहतर समाज बनाने के लिए जन संवाद जरूरी है। यह लगातार होते रहेगा जब तक लोगों की समस्या खत्म नहीं हो जाती। था ब्लॉक का आज पीरपैंती में जन संवाद कार्यक्रम था, उसके बाद कहलगांव में हम लोगों ने ब्लॉक अंचल का जो भी काम होता है उसको देखा है, और कैशबुक को लेकर के यहाँ जो समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है उसका कैसे निराकरण हो। अगर किसी के द्वारा गड़बड़ी की गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आरोप पत्र गठित होना चाहिए। तो SDO साहब उसको देखेंगे और इसमें जिला स्तर के पदाधिकारी का भी जो सहयोग आवश्यक होगा वो SDO साहब प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस अनुमंडल में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो स्थापित किया है। तो यूनिट तो स्थापित हो गई है, उसको पूरे तरीके से उसको संचालित किया जाना है। उसमें जो है सामग्री पर्याप्त मात्रा में आए, इसके लिए नगर पंचायत क्षेत्र से भी जो प्लास्टिक कलेक्ट होता है वो यहाँ पर जमा किया जाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचायतों से भी जो प्लास्टिक वेस्ट है, बोतल्स वगैरह या अन्य सामग्री, वो हम लोग यहाँ इकट्ठा करवा करके और फिर उसको जो उसकी क्रशिंग और प्रोसेसिंग का जो पार्ट है कंप्लीट करा करके RWD के माध्यम से उसको हम लोग रोड में यूज। भागलपुर में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन 22 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक सैंडिस कंपाउंड के नवनिर्मित खेल भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार के 21 जिलों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पटना, शेखपुरा, सारण, बांका, भागलपुर, रोहतास, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण के अलावे कई जिले के खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर की कैटेगरी रखी गई है, जिसमें चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाने राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में उतरेंगे। इसको लेकर सैंडिस कंपाउंड के खेल भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें जिला खेल पदाधिकारी समाजसेवी विजय यादव के अलावे जिला बॉक्सिंग समिति के सचिव एवं कई नेशनल खिलाड़ी भी मौजूद थे। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए रहने खाने की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन कल यानी 22 सितंबर को होगा। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिला खेल पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे खेलों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और नेशनल में चयनित होने के बाद नौकरियों की भी काफी संभावनाएं रहती है। तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में खेल का माहौल बदल रहा है। हम लोग
बिहार में खेल के माहौल बदलने के लिए बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं राज्य संघ के तत्वावधान में दोनों मिलकर खेल को माहौल को और आगे बढ़ा रहे हैं और खेल के खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रही हैं। उसी की कड़ी में जिस जगह आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यह भी कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरह से 6,61,00,000 की लागत से खेल भवन सब एवं शाला बनकर तैयार हुआ है ताकि इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो निस्संदेह हम लोग का प्रयास है, खेल समूह का प्रयास है और हम लोग का प्रयास तब जाकर अंतिम चरण में पहुंचता है जब पूजा जी जैसे, अमित कुमार जैसे और प्रमोद अंसारी जैसे लोग और विजय भैया जैसे लोग आगे बढ़कर इसको सपोर्ट करते हैं